उधर भावलपुर में नए तैनात होने वाले आरपीओ मोहम्मद फैसल राना ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद अमीन से। मोहम्मद अमीन बताएगा जी। देखिए भावलपुर में नए तैनात होने वाले आरपीओ मोहम्मद फैसल राणा ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। ऑफिस पहुंचते ही पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने उनको सलामी दी। उनसे जानते हैं कि भावलपुर का सफर उनका कैसा रहा और भावलपुर डिवीजन में क्या इरादे और क्या आजम लेकर हैं। सर बताइएगा कैसा रहा आपका सफर और भावलपुर डिवीजन में पहली तैनात किया है या इससे पहले भी आप जो है यहाँ पे अपने फरायद मंसूबे अंजाम दे चुके हैं? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। सफर बड़ा खुशगवार रहा और कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पहुँचा हूँ और बड़ी मुझे खुशी है कि बड़ी ये इंपॉर्टेंट रेंज है भावलपुर जहाँ पे मेरी तानीती हुई है। इससे पहले मैं डीआईजी एसपीयू था तो ज़ाती हैसियत में फील्ड में तो पोस्टिंग मेरी नहीं रही भावलपुर डिवीज़न में, लेकिन एसपीयू का सरबरा होने के नाते मेरे बहुत चक्कर इधर लगते रहे हैं, रहीमियार खान, भावलपुर, भावल नगर। तो उस लिहाज से पिछले कुछ डेढ़ साल से इलाके से वाकफियत भी है और अब इंशाल्लाह आ गए हैं, आगे इलेक्शन होने हैं, दैट इज़ आवर फोकस। और फेयर एंड फ्री इलेक्शन हमने कराने हैं और साथ साथ हमने क्राइम को भी फाइट करना है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी कंट्रोल में रखना है। तो ये हमारी प्रायोरिटीज हैं। शुक्रिया।